पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 26 मार्च को रैली कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैली को संबोधित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की जनसभा मुरादाबाद के थाना मझूला स्थित रामलीला ग्राउंड में की जाएगी। भाजपा मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बात करते हुए कहा कि जनसभा की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। रैली में 25 से 30 हजार लोग आएंगे। अमित शाह 2 बजे हेलीकॉप्टर से रैली स्थल के पास ही बने हेलीपैड पर उतरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी रामलीला मैदान पर मौजूद हैं। अमित शाह भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसीलिए कोई भी लापरवाही की गुंजाइश ना रहे इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने मंच को अभी से अपनी निगरानी में ले लिया है। अमित शाह की रैली के लिए मंच बनाया जा रहा है और टेंट का सामान भी ट्रकों में भरकर जनसभा स्थल पर आ चुका है। कार्यक्रम स्थल को सजाने और संवारने का काम जारी है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मुरादाबाद में लाइन पार्क में होने जा रहा है और उनकी जनसभा की बहुत बड़ी तैयारी यहाँ मुरादाबाद में सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन पार्क में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ हेलीपैड उनका यहीं उतरेगा, हेलीपैड भी यहीं बन रहा है, हेलीकॉप्टर उनका यहीं उतरेगा, यहीं हेलीपैड बन रहा है और सामने ग्राउंड में उनकी जनसभा की तैयारी हो रही है। विशाल जनसभा यहाँ मुरादाबाद में मुरादाबाद लोकसभा की होने जा रही है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता जुटेगी और उनके विचारों को सुनेगी। कितने लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है? लगभग 30 हजार लोगों का हमने यहाँ पे मुरादाबाद लोकसभा की ही खाली ये जनसभा है जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों की संख्या इस कार्यक्रम में रहने वाली है।